हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक डिसीज़ के बारे में जिसका नाम है बोबेसियोसिस। तो बोबेसियोसिस के बारे में मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि हर कोई इस रोग को पहचान सके, और अगर डॉक्टर थोड़ी देरी से आए तो इसके लिए कुछ मतलब इंतजाम कर सके, अपने घर पे भी उसके जो इंजेक्शन आते हैं वो रख सके। तो बोबेसियोसिस मेनली जो एचएफ कैटल होती है, जो गाय होती है, एचएफ क्रॉस होती है, एचएफ कैटल होती है, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बोबेसियोसिस में एनीमिया हो जाता है और हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। मतलब उसका जो यूरिन में ब्लड आता है एकदम यूरिन एकदम लाल हो जाता है। तो उसी से ही पता चलता है इसको बोबेसियोसिस हो गया। उसका टेम्परेचर भी हाई रहता है और ब्लड एकदम एनीमिक होता है। तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है डाइमिनाजिन एसिट्यूरेट, जो बेरेनिल आता है, बाज़ार में मिलता है। तो मेरे फार्मर मित्रों से मेरी यही विनती है कि अगर आप एज एफ कैटल रखते हो तो बेरेनिल नाम का इंजेक्शन है, जादुई दवा है, वो आप अपने फार्म पे रखिए, ताकि ऐसा कोई अगर हीमोग्लोबिनूरिया जो ब्लड में यूरिन में ब्लड आता है ऐसा कोई आपको जो दिखे तो इसका डोज है 30 ml 30 ml इंजेक्शन आप दे दें इसको, तो वो मतलब एक तरह की उससे राहत मिल जाएगी और ब्लड लोस होना बन जाएगा। वरना ये जो बोबेसियोसिस रोग है वो जानलेवा है, इससे 12 से 24 कलाक में इसकी पशु की मौत भी हो सकती है। तो इसका जो टेस्ट कराना पड़ता है, ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, इसी से पता चलता है इसको बोबेसियोसिस है या थेलेरिसिस है और एनाप्लाज्मोसिस है, क्योंकि ये सब प्रोटोजुअल डिसीज है जो टिक से होते हैं।